मैं शिवांगी, आप देख रहे हैं माय भारत का खास प्रोग्राम सियासी अखाड़ा। आज हम बात करेंगे यूपी के विधानसभा चुनाव को लेकर। चुनावी मिशन में सभी राजनीतिक पार्टियां रूठे हुए नेताओं और पक्ष विपक्ष पर आरोप लगाने वाले दिग्गज नेताओं को मनाने में जुटी हैं। कोई अपने पाले में खींचकर चुनावी हुकार भर रहा है, कोई विपक्ष में रहते रहते वर्तमान सरकार पर जहर उगल रहा है। इन्हीं बयानों और चुनावी वादों को लेकर बीजेपी के चाणक्य यानी कि अमित शाह ने रूठे हुए जाट समुदाय के किसानों को मनाने के लिए मिशन यूपी में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वो पश्चिमी यूपी में एक मशहूर कहावत है, जिसके जाट उसी के ठाट। इन्हीं मुद्दों को लेकर अब यूपी में सत्ता का सबसे बड़ा संग्राम छिड़ा हुआ है और सभी दलों की जोर आजमाइश भी चरम पर है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जाट समुदायों को लुभाने वाला अमित शाह का चुनावी प्लान नष्ट, कई खंडों में टूटा। अमित शाह की बोलती बंद, जयंत चौधरी ने ठुकराया अमित शाह का न्योता। नाराज जाट समुदायों को लुभाने के लिए अमित शाह ने जयंत चौधरी को भेजा था न्योता। जयंत चौधरी ने दिया जवाब, बोला उन 700 परिवारों को दो पहले न्योता, जिनका आपने घर उजाड़ा। यूपी चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है पश्चिमी यूपी यानी जाटलैंड की सियासत को लेकर, जहां पहले चरण में वोटिंग होनी है। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद ये इलाका एक तरफा बीजेपी की पाली में चला गया था, लेकिन हाल ही में केंद्र सरकार की कुछ नीतियों और योगी सरकार के सिस्टम से परेशान होकर आंदोलन कर रहे किसानों ने इस इलाके के वोटों के गणित को इतना बदल दिया है कि सभी दल पहले की तरह यहां अपने लिए संभावनाएं तलाशने में जुटे हैं। देखिए, ये बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जयंत चौधरी जी ने एक गलत रास्ता चुना है। यहाँ के समाज के लोग उनसे बात करेंगे, उनको समझाएंगे। इलेक्शन के बाद में संभावनाएं खुली रहती हैं, हमारा दरवाजा आपके लिए खुला है और कोई भी संभावना को मना नहीं किया जा सकता। इलेक्शन के बाद में देखेंगे क्या संभावना बनती है। हमने जैसे कहा, हम तो चाहते थे कि वो हमारे घर में आए, अगर उन्होंने कोई दूसरा घर चुना है। अभी देर नहीं हुई आपसे? देर तो कभी नहीं हुई है, कोई भी आए। केंद्र सरकार की नीतियों और यूपी की योगी सरकार के सिस्टम से परेशान नाराज किसान आंदोलनकारियों जाट समुदायों को मनाने के लिए राजनीति के माहिर खिलाड़ी या यूं कहे बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने 26 जनवरी के दिन बीजेपी सांसद प्रवेश साहिब की आवाज पर बैठकर पश्चिम यूपी के नाराज किसान जाट समुदायों को लुभाने के लिए शाह ने मास्टर गेम खेला। सरकार से नाराज जाट समुदायों को मनाने के लिए जाट समुदाय के कई बड़े नेताओं को अमित शाह ने निमंत्रण दिया और उनके साथ बैठकर उनकी नाराजगी पर विचार विमर्श करने की बात कही। वो भी ऐसे समय पर अमित शाह ने बातचीत करने का निर्णय लिया जब यूपी में चुनाव हो रहा है और राजनीतिक सियासत चरम पर है। समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने वाले बड़े नेता जयंत चौधरी को भी अमित शाह ने न्योता भेजा था। उनके साथ बैठकर नाराज किसानों जाट समुदायों के मुद्दे पर चर्चा परिचर्चा करने की बात कही। इसी मामले पर जाट समुदाय में अपनी मजबूत पकड़ रखने वाले जयंत चौधरी ने अमित शाह के निमंत्रण को ठुकराते हुए अमित शाह के मास्टर प्लान का गेम बिगाड़ दिया। जयंत चौधरी ने एक ट्वीट कर अमित शाह पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पहले उन 700 किसान परिवारों को न्योता दो जिनके घर आपने उजाड़ दिए। इस ट्वीट के बाद अमित शाह ने चुप्पी साध ली और समाजवादी पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव पर सवाल को छड़ी लगा दी। फिलहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि नाराज किसानों जाट समुदायों को अमित शाह मनाने में कितना सफल रहे। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए माय भारत।